बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम बनाने लगे हैं जी आज बड़ी ही एक डिफरेंट सी डिश। और नरगसी कोफ्ते तो सबने खाए हैं, मगर नरगसी कबाब जो हैं उसका सालन जो है वो कभी किसी ने नहीं खाया। तो आज हम बना रहे हैं नरगसी कबाब का सालन, और इसके साथ हम बनाएंगे आलू मटर के चावल, वो भी ज़रा थोड़े डिफरेंट हैं। तो चलें जी हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं नरगसी कबाब के इंग्रेडिएंट्स, कबाब तो वो हैं जो मैं बना चुकी हूँ, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, ये मैंने डाला है इसको ग्राइंडर में, और ये हैं जी लहसुन अदरक, ये 5-6 जवे हैं लहसुन के, साथ ही अदरक के टुकड़े हैं, और ये मैंने इसमें डाल दी हैं जी 4 सब्ज़ मिर्चें, ये मेरे पास टमाटोज हैं, और मैं ये मैंने 3 टमाटर लिए थे जबकि मैं 2 टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ, इतने ही काफ़ी हैं। मसाले को कर रहे हैं हम जी ग्राइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को करेंगे हम ऑन। अब हम इसमें जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो डाल रहे हैं। जी हम इसमें डाल रहे हैं नमक मिर्च, मैं थोड़े कम मसाले रखूंगी क्योंकि मेरे मामू जी ने भी खाना है और वो हार्ट पेशेंट भी हैं, बीपी पेशेंट भी हैं, डायबिटिक पेशेंट भी हैं, इसलिए आपने जो इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने इसमें ये देखें कितना डाला है, ये फुल टीस्पून नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, और ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी पिसा हुआ सूखा धनिया जो कि मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया जी। अब हम इसमें डाल रहे हैं जी ऑयल, मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही इसमें ऑयल ऐड करूँगी, आप जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल और घी भी सालन में अच्छा नहीं लगता। ऑयल डाल के हम इसकी अच्छे से भुनाई करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर हमने रख दिए हैं जी अपने आलू मटर वाले चावल, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ जी ऑयल। चावल हैं हमारे पास 1.5 गिलास, क्योंकि मामू जी को तो हमने चावल खिलाने नहीं हैं, उनके लिए ठीक नहीं है, बाकी हम लोग खाएंगे। ये मैंने एक ही मीडियम प्याज काटा था चावलों के लिए जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब जी इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तैयार हो रहे हैं हमारे आलू मटर स्पेशल राइस। अब स्पेशलिटी इसमें क्या है वो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में, क्योंकि एक खाना तो हम बनाते हैं, अगर उसको हम मुनफरिद तरीके से बनाएं तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है, कि थोड़ा सा उसमें चेंज होना चाहिए। ये मैंने इसमें डाला था जी साबुत गरम मसाला, जिसमें थी दालचीनी, मोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग। लौंग में ज़्यादा नहीं डालती, बस 3-4 ही काफ़ी होते हैं। ये हैं जी हमारे पास टमाटर और सब्ज़ मिर्च, 2 टमाटर है, और मेरे पास ये 5-6 सब्ज़ मिर्चें थी जिन्हें मैंने दरमियान में से कट कर दिया।
अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू और मटर। आज ने मटर सामना जी ये हिना जी ने छील के फ्रीज की थे अपने प्यारे प्यारे हाथों से उन्होंने मटर छील कर फ्रीज किए थे। अपने हाथ बहुत प्यारे लगते हैं लगन ना लगन। मुझे इनके हाथ इसलिए प्यारे लगते हैं कि इसके हाथों मेरी अम्मी जैसे हैं। और ये आप मटर ना समझे, हाँ आज पुलाव बन रहा है पर्ल पुलाव। आप समझे कि ये बकरे का पुलाव बन रहा है, ये मटर नहीं है, बकरे की बोटियां है, ये बकरे की बोटियां है। किधर आप पुलाव खास है वो तेरिया मन मन के असा जिंदगी तबाह की थी। जी हम जी इस वक्त अब चावलों में डाल रहे हैं पानी, और ये 1.5 गिलास चावल है और 2.5 गिलास पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावल हो गए हैं जी इसमें ऐड। अब जी हम इस पे डाल रहे हैं जर्दा रंग थोड़ा सा, ये स्पेशल राइस हैं आलू मटर पुलाव बिरयानी भी कह सकते हैं इसे, मगर बिरयानी के मसाले इसमें नहीं हैं। और अब हम इस पे डाल रहे हैं जी धनिया और पुदीना, और ये है जी हमारा प्याज। मुझे ऐसी गार्निशिंग जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। ये नरगसी कबाब का जो हम सालन बना रहे हैं वो मसाला रेडी है। फिर बार बार कह रही हूँ ये नरगसी कोफ्ते नहीं है, ये नरगसी कबाब का सालन है। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी। ये देखिए इससे इसका कलर जो है वो एकदम से बहुत अच्छा हो जाता है। और ये मैं इसमें अभी डालूंगी, ये हम इसमें डाल रहे हैं जी पानी। अब मिलते हैं जी आपको बाकी प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद। ये थी जी हमारी खाने की फाइनल लुक। क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी डेड और फ़ोन हुआ ऑफ, तो ये जी इसमें राइस जो थे वो पलवशा जी ने डिश आउट किए, और मैंने डोंगे में डाली ग्रेवी, ग्रेवी में रखे कबाब, साथ में रख दिए बॉयल एग, उसके ऊपर धनिया जो था वो गार्निश किया, और इसके साथ ही हमारी जो रेसिपी थी वो मुकम्मल हो गई। दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें, और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें ताकि मुझे आपके फीडबैक से पता चलता रहे कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।